Hello students, welcome to CR International School online classes. We will discuss about factors. Again बेटा factors की factor होते क्या है. Factors क्या होते हैं मैंने बताया था बेटा. Factors जो जब एक number किसी दूसरे number को पूरा पूरा divide करा दे. Exactly कि उसमें कोई remainder ना आए, तो वो जो डिवीजर होता है वो क्या कहलाता है बेटा. फैक्टर्स किसका, डिविडेंड का. जैसे मैंने आपको बताया बेटा, जैसे मैंने आपको दिया 16, अब 16 बेटा 2 16 को पूरा पूरा डिवाइड करा देगा. 2 8 16 क्रॉस पूरा पूरा डिवाइड हो गया ना, यानी 2 फैक्टर है किसका, 16 का. क्लियर, ये क्या कहलाता है डिवीजर, फैक्टर्स. और ये डिविडेंड क्या कहलाता है बेटा, कि इसका डिविडेंड जो है 16 का फैक्टर कौन कौन से है, 2 है. और किसी टेबल से करते हैं, 3 से करते हैं तो 3 तो नहीं है, 3 की टेबल में तो 16 आता ही नहीं. 4 की टेबल में आता है, आता है. 4 4 16, 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो गया ना, तो 4 इज अ फैक्टर ऑफ 16. ओके, इसी तरह बेटा मैंने ये सम्स दिए हैं आपको 12. अब हमें ये देखना है 12 के कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं. फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ 12 के कौन कौन से फैक्टर. पहले सबसे स्मॉल टेबल लेते हैं 1. सबसे स्मॉल 1 है क्या, 1 क्या 1 12 का फैक्टर है. आप देखो 1 की टेबल से डिवाइड करते हैं 12, 1 1 1 जा 1 0 ऊपर से आया 2 1 2 जा 2 माइनस किया तो 0. पूरा पूरा डिवाइड करा दिया, कब कराया, 1 12 12, तो क्या आएगा 1 12 12, यानी 1 जो है वो 12 का फैक्टर है. अब 2 से क्या, 2 12 का फैक्टर है. आप देखो 2 की टेबल में 12 आता है, यस. कब आता है, 2 6 12 2 6 12, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, कोई रिमाइंडर नहीं है, तो 2 इज अ फैक्टर ऑफ 12, यानी 2 12 का फैक्टर है. कब है ये, 2 6 12. क्लियर, अब 3 से देखो क्या 3 की टेबल में 12 आता है, 3 4 12 3 4 12, माइनस किया तो 0. 3 की टेबल से पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो 3 इज अ फैक्टर ऑफ 12. 3 इज अ फैक्टर ऑफ 12, यानी 3 4 12, got it. अब 3 के बाद कौन सी टेबल आई बेटा, 4 की. 3 के बाद 4 की टेबल है ना, तो 4 से डिवाइड करके देखो 12 को, 4 3 12, माइनस किया तो 0. 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो गया ना, तो 4 इज अ फैक्टर ऑफ 12, यानी 4 जो है बेटा 12 का फैक्टर है. अब 5 की टेबल में सर्च करेंगे, फिर 6 की टेबल में करेंगे. तो मैंने अभी एक आपको चीज बताई थी, एक पैटर्न बताया था, एक ट्रिक बताई थी. क्या ट्रिक बताई थी, हम देखते हैं कि दोनों में सेम नंबर आया या नहीं आया. आप देखो ये 4 है और इस लाइन में भी 4 आ गया, ये दोनों मैच कर गए, ये दोनों मैच कर गए ना बेटा. अब यहां देखो 4 3 4 12 और 4 3 12, ओके. 4 का फैक्टर हो गया, 4 के ऊपर क्या है 6, तो 6 की टेबल में क्या आएगा, 6 2 12. आप 6 से करके देख लो, 12 को डिवाइड, 6 2 12, माइनस किया तो 0. पूरा पूरा डिवाइड हो गया ना, 6 2 12, इसको उल्टा कर दो, 12 1 12 12, गॉट इट. अब देखो बेटा क्या है, हर आप खुद भी देखो, अगर हम 4 लेते हैं तो 2 2 4, दो गए ना, 2 2 और 2 2, चलो ये छोड़ो, 2 3 6, 6 है बेटा ये. 6 किस किस का फैक्टर है, 1 की टेबल में तो आए गई, 1 6 6, अब 2 में आएगा, 2 3 6 और 3 2 6, दो फैक्टर हो गए ना, 2 3 6 और 3 2 6, दो फैक्टर हो गए. तो ऐसे ही है देखो, 1 12 12 और 12 1 12, दो फैक्टर हो गए ना, एक 1 हो गया और एक 12 हो गया. 2 6 12 और 6 2 12, दो फैक्टर्स हो गए, 2 भी हो गया 6 भी हो गया. 3 4 12, 4 3 12, दो फैक्टर्स हो गए, एक 3 हो गया एक 4 हो गया.
फोर थ्री जा, अब यहाँ देखो दोनों मैच, फोर थ्री जा, अभी मैंने आपको बताया थ्री फोर जा ट्वेल्व और फोर थ्री जा ट्वेल्व, थ्री के बाद फोर थ्री जा ट्वेल्व आ गया ना, उसका उल्टा हो गया, ये दोनों मैच कर गए। अब सिक्स टू जा, पहले टू सिक्स जा ट्वेल्व था, अब इसका अपोजिट हो गया सिक्स टू जा ट्वेल्व और फिर ट्वेल्व वन जा ट्वेल्व, और आगे नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि मैंने क्या बताया था, ट्वेल्व का वन इज अ स्मॉलेस्ट फैक्टर, वन जो है बेटा वो स्मॉलेस्ट फैक्टर होता है, वन क्या होता है बेटा स्मॉलेस्ट फैक्टर, किसका ट्वेल्व का, और लार्जेस्ट फैक्टर कौन सा होता है, इटसेल्फ यानी वो खुद स्वयं क्या होता है वो लार्जेस्ट फैक्टर, तो ट्वेल्व इज अ लार्जेस्ट फैक्टर, ट्वेल्व इज अ लार्जेस्ट फैक्टर। अब हमारे ट्वेल्व के कौन कौन से फैक्टर है, हम यहां आंसर में क्या लिख देंगे बेटा, ट्वेल्व के कौन कौन से फैक्टर है, वन टू थ्री फोर सिक्स एंड ट्वेल्व, ये फैक्टर्स हो गए। अब हम अपना चेक भी कर सकते हैं कि हमारा राइट है या रॉन्ग, हम इसको वेरीफाई कैसे कर सकते हैं, देखो वन टू थ्री फोर सिक्स ट्वेल्व, राइट। अब इधर से उल्टा ले लो, नीचे से वन, यहाँ वन है यहाँ वन है, यहाँ टू है यहाँ टू है, यहाँ थ्री है यहाँ थ्री है, फोर फोर सिक्स सिक्स ट्वेल्व ट्वेल्व, एकदम सीरीज में है ना, वन टू थ्री फोर सिक्स ट्वेल्व, वन टू थ्री फोर सिक्स ट्वेल्व, यानी हमारा ये सब राइट है। ओके बेटा, यानी ट्वेल्व के फैक्टर कौन कौन से, वन टू थ्री फोर सिक्स एंड ट्वेल्व, गॉट इट। है बेटा हमारा ट्वेंटी फोर का, पहले हम इसको वन की टेबल में देखेंगे, तो वन ट्वेंटी फोर जा ट्वेंटी फोर, वन फैक्टर हो गया ट्वेंटी फोर का। अब टू का देखो, अब टू से डिवाइड करके देख लो बेटा, ट्वेंटी फोर को टू से डिवाइड किया, टू वन जा टू, माइनस किया जीरो, ऊपर से आया फोर, टू टू जा फोर क्रॉस यानी जीरो, टू के पूरा पूरा डिवाइड हो गया ना, रिमाइंडर जीरो आया ना, तो टू इज अ फैक्टर ऑफ 24, यानी 2 जो है 24 का फैक्टर है। अब क्या लिखेंगे, 2 जो है 24 का फैक्टर है, तो 2 कब आ रहा है, 2 ट्वेल्व जा 24, ओके। अब 3 की टेबल में देखेंगे बेटा, क्या ये 3 का फैक्टर है, देखो 24 को 3 से, 3 की टेबल में 24 आता है ना, कब आता है, 3 एट जा 24 माइनस किया तो जीरो, यानी 3 से भी पूरा पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर जीरो आया, तो हमारा 3 भी फैक्टर है, किसका 12 का, 24 का, 3 एट जा 24। नेक्स्ट आता है हमारा 4, क्या 4 का फैक्टर 4 है, 24 है 4 का फैक्टर्स, चलो देखते हैं 4 देखना है बेटा, क्या 4 की टेबल में 24 आता है, देखते चलो, 4 6 जा 24 माइनस किया तो जीरो, 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो गया 6 जा पे, तो क्या है 4 इज अ फैक्टर ऑफ 24, यानी 4 जो है वो 24 का फैक्टर है। यहाँ क्या लिखेंगे बेटा, 4 6 जा 24, ओके। अब 5 से देखते हैं, क्या 5 का 5 है फैक्टर 24 का, देखते हैं 5 की टेबल में 24 आता है, नहीं आता, 5 5 जा 25 5 4 जा 20 5 4 जा 20, रिमाइंडर आ गया ना, जब हमारा रिमाइंडर आ जाता है तो वो जो डिवीजर है वो इसका फैक्टर नहीं होता, डिविडेंड का फैक्टर नहीं होता, तो 5 इज द नॉट फैक्टर ऑफ 24। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, फिर 6, 5 के बाद, तो क्या 24 की टेबल में 6 आता है, 6 4 जा 24 माइनस किया तो जीरो, यानी 6 की टेबल में तो आ रहा है, 6 का फैक्टर तो है ना, 6 6 का फैक्टर, 6 4 जा 24 मैच कर गया, ध्यान दो। आगे हम 7 से करें, 7 की टेबल से करेंगे, हमारा यहां मैच कर गया, ये देखो ये हो गया 6 6 मैच हो गया। अब 6 के ऊपर क्या है, 8 8 3 जा, देखो 6 4 जा हमने यहां लिख दिया, 6 4 जा 8 3 जा क्या आ जाएगा बेटा, 8 3 जा 24, 12 2 जा क्या आ जाएगा यहाँ, 12 2 जा 24, 24 1 जा 24, 1 जा 24 आ गया, ये लार्जेस्ट
इटसेल्फ होता है ना लार्जेस्ट फैक्टर, 24 आ गया लास्ट में और ये 1 इज अ स्मॉलेस्ट फैक्टर। तो हमारे 24 के फैक्टर्स कौन कौन से हुए बेटा, 24 के फैक्टर्स कौन कौन से, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 6 8 12, 6 8 12 एंड 24 एंड 24। ओके 24 के कौन कौन से फैक्टर है, 1 2 3 4 6 8 12 24। हम क्या करते हैं चेक भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 6 8 12 6 8 12 24 24, दोनों सीरीज में सेम है, बस ये ऊपर से और ये नीचे से काउंटिंग है। ओके बेटा समझ में आ गया। ओके नेक्स्ट है बेटा हमारा 108 किस किस का फैक्टर है, यानी 108 के फैक्टर कौन कौन से हैं। ठीक है अब चलो सबसे पहले 1 से आ गया, 1 × 108 यानी 1 से ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। अब 2 से देखते हैं क्या ये 2 की टेबल में आता है 108। 2 × 5 = 10 माइनस किया 0, ऊपर से आया 8, 2 × 4 = 8 माइनस किया तो 0। 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया, तो 2 इज अ फैक्टर ऑफ 108, यानी 2 जो है फैक्टर है 108 का। हम यहाँ क्या लिख देंगे, 2 × कब है 54 × 2 = 108। ओके बेटा अब 2 के बाद कौन सी टेबल है, 3 की। अब हमें देखना है क्या 108 3 की टेबल में आता है, चलो चेक करते हैं 108 3 की टेबल में। 3 की टेबल में 10 तो आता नहीं, 3 × 3 = 9 3 × 3 = 9 माइनस किया तो 0 में से 9 कट नहीं होगा, 0 ने इसे बोरो लिया, ये 0 हो गया, ये 10 हो गया, 10 में से 9 कट 1, ऊपर से आया 8 18, 3 × 6 = 18 3 × 6 = 18 माइनस किया तो 0, यानी रिमाइंडर 0 आ गया। तो 3 भी फैक्टर है किसका, 108 का। तो क्या लिख देंगे, 3 इज अ फैक्टर ऑफ 108, 3 × 36 = 108। ओके अब हम 4 के टेबल में देखें क्या 4 फैक्टर है 108 का, चलो डिवाइड करके देखते हैं बेटा 108 4 की टेबल में, 4 × 2 = 8 माइनस किया, 10 में से 8 कट 2, ऊपर से आया 8, कितने बन गए 28, 4 की टेबल में 28 आता है, आता है 4 × 7 = 28 माइनस किया तो 0, यानी 4 से भी पूरा पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया ना। तो ये 4 भी फैक्टर है, 4 इज अ फैक्टर ऑफ 108, 4 × 27 = 108। अब 5 से करके देखें कि 5 की टेबल में आता है या नहीं आता, देखो बेटा 108 5 × 2 = 10 माइनस किया 0, ऊपर से आया 8, 5 × 5 = 5 8 में से 5 कट 3, रिमाइंडर बच गया ना, तो यानी 5 इसका फैक्टर नहीं है, क्योंकि रिमाइंडर 0 होगा तभी तो वो फैक्टर होगा, 0 है नहीं रिमाइंडर, तो हमारा ये 5 फैक्टर नहीं है, तो हम इसे राइट नहीं करेंगे। नेक्स्ट है हमारा 6, 6 से डिवाइड करके देखते हैं 108 6 6 × 6 10 में से 6 कट 4, ऊपर से आया 8, 6 की टेबल में 48 आता है 6 × 8 = 48 माइनस किया तो 0, क्लियर, यानी 6 भी फैक्टर है इसका, 6 × 18 = 108। नेक्स्ट है हमारा 7, देखते हैं चलो 7 फैक्टर है या नहीं है, 108 को 7 से 7 × 7 = 7 3 ऊपर से आया 8, 7 की टेबल में 38 नहीं आता, तो 7 × 5 = 35 माइनस किया था 3, रिमाइंडर बच गया ना, तो ये भी फैक्टर नहीं है। 8 का देखते हैं क्या 8 फैक्टर है 108 का 8 × 8 = 8 माइनस किया 2, ऊपर से आया 8, 8 की टेबल में 28 नहीं आता, 28 से छोटा किया क्या है 24 8 × 3 = 24 8 में से 4 कट 4, इसमें भी रिमाइंडर आ गया, यानी ये भी नहीं है, चलो कोई नहीं। अब हम 8 के बाद क्या आता है 9, 9 की टेबल में देखते हैं 9 × 9 10 में से 9 कट 1, ऊपर से आया 8, 9 की टेबल में 18 आता है 9 × 18
माइनस किया तो जीरो, रिमाइंडर जीरो आ गया ना। तो यानी नाइन फैक्टर है किसका, 108 का। कब है, 9 12 9 12 108। 10 से देखो क्या 10 फैक्टर है इसका, 108 10 बन जा 10, माइनस किया जीरो ऊपर से आया 8, डिवाइड नहीं होगा, रिमाइंडर हो गया, तो 10 भी फैक्टर नहीं है इसका। 10 के बाद 11, क्या 11 फैक्टर है, 11 की टेबल में 1 छोटा है 10 छोटा है, तीनों डिजिट ली, 108 11 की टेबल में 108 आता है, नहीं आता। 108 से छोटा क्या है, 11 9 99, इसने इसे बोरो दिया, 18 में से 9 कट 9, यहाँ 9 रह गया, ओके 10 में से 9 कट 1, क्या सॉरी बेटा ये 10 हो गया, इसने इसे 1 दिया, ये 9 और ये कितने हो गए, 18 में से 9 कट 9, 9 में से 9 कट 0, 0 की 0, क्या 11 की टेबल में 9 आता है, नहीं आता, और ऊपर कोई डिजिट नहीं है तो 11 इसका फैक्टर नहीं है, 11 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 108। 12 से भी देखते हैं क्या 12 की टेबल में आता है, 12 9 108 माइनस किया तो 0, यानी 12 तो फैक्टर है इसका, है ना, 12 इज अ फैक्टर ऑफ 108, 12 तो है 108 का फैक्टर, कब है, 12 9 108। आप बार बार ये चेक करते रहा करो बेटा, हमारा मैच कब कर रहा है, हमारा मैच कब कर रहा है, हम बार बार डिवाइड करने लग रहे हैं, कितनी जल्दी हमारा मैच करता है, देखो ये मैच कर गया हमारा, अब आगे डिवाइड हम नहीं करते, ठीक है। अब देखो 9 12 108 12 9 इसको अपोजिट किया, 12 9 108। अब 12 से ऊपर क्या है बेटा, 18, यहाँ क्या आ जाएगा, 18 6 18 6 108, 27 4 27 4 108, 36 3 यहाँ लिख दो बेटा, स्पेस नहीं है ना हमारा, तो हम ऊपर लिखते हैं इसे, चलो यहाँ लिख देते हैं, 27 4 हो गया, 27 4 अब 36 3 क्या है, 36 3 108, 54 2 54 2 108 108 बन जा 108 108 108 है ना ये 108, लास्ट में आ गया 108 की टेबल, यानी 1 इज द स्मॉलेस्ट और 108 इज द लार्जेस्ट, ओके। अब 108 के फैक्टर कौन कौन से हैं, आप देखो 108 के फैक्टर्स है बेटा, 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6, 9 12 18, 9 12 18, 27 36 27 36, 54 108, 54 and 108, ओके। हम इसे करेक्शन भी कर सकते हैं, वेरीफाई भी कर सकते हैं, 1 2 3 4, ओके यहां से देखो 1 2 3 4, 6 9 12 6 6 9 12, 18 27 18 27, 36 54 36 54, 108 108, ओके। हमारा जो नंबर्स यहाँ पर सीधी लाइन में है वो नंबर यहाँ उल्टा आ जाएगा, ठीक है, नीचे से काउंटिंग आ जाएगी, गॉट इट बेटा, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बता दो। 108 का फैक्टर्स निकाल दिया है मैंने, आगे आप बेटा खुद प्रैक्टिस करना, कोई डाउट्स हो तो कॉल बैक करके मुझसे पूछ लेना, गॉट इट, थैंक यू बेटा।